कोरोना वायरस पूरी दुनिया में 1 लाख के आसपास लोगों की जान ले चुका है और इस समय दुनिया भर में कोरोना के 15 लाख के आसपास पेशेंट्स। हालत यह है कि दुनिया अभी तक कोरोना का इलाज कर सकने वाली दवाई ढूंढ ही रही है, लेकिन उससे पहले कोरोना भेष बदलकर फिर से दुनिया के सामने आ खड़ा हुआ। जी हां, आपने सही समझा है, कोरोना अब भेष बदलकर यानी कि नए रूप में दुनिया के सामने आ गया है और यह कोरोना पहले वाले कोरोना से भी और ज्यादा खतरनाक है। यह कोरोना भी चीन के उसी ह्यूबेई शहर से आया है जहां से पहले वाला कोरोना आया था, लेकिन यह कोरोना पहले वाले कोरोना से अलग और खतरनाक कैसे है यह हम आपको आज बताएंगे। पहले वाला कोरोना पकड़ में आ जाता था, यह कोरोना पकड़ में नहीं आ रहा। पहले वाले कोरोना के सिम्टम्स थे जिनकी वजह से उनको पहचाना जा सकता था और यह पता लगाया जा सकता था कि यह आदमी कोरोना का शिकार तो नहीं है, उसके बाद उसे टेस्ट के लिए भेजा जा सकता था। लेकिन नए वाला कोरोना इतना खतरनाक है कि इसने अपने सारे लक्षण छुपा लिए हैं। अब नए कोरोना के शिकार मरीजों को सर्दी, खांसी, जुकाम, बदन दर्द, बुखार, इस तरीके के लक्षण दिखाई नहीं देते, जबकि पहले कोरोना की पहचान इन्हीं तरह के लक्षणों से हो रही थी। ऐसे लक्षण पाए जाने के बाद किसी मरीज का टेस्ट कराया जाता था और अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो तो उसे अलग कर लिया जाता था। लेकिन अब जो नया कोरोना आ गया है वो है असिम्प्टोमैटिक कोरोना। असिम्प्टोमैटिक कोरोना का मतलब ये है जिसके कोई लक्षण ही ना हो, यानी कि वो आदमी जो कि असिम्प्टोमैटिक कोरोना का शिकार हो, वो आपके हमारे बीच में हो, आसपास घूम रहा हो, तब भी उसके लक्षण पहचान कर उसको अलग नहीं किया जा सकेगा, उसको क्वारंटीन नहीं किया जा सकेगा। उसकी पहचान तभी हो पाएगी जबकि उसका टेस्ट किया जा सके और कोरोना टेस्ट से उसकी पुष्टि हो कि वाकई इस आदमी को कोरोना वायरस ने जकड़ रखा है। अब यह स्थिति कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि इस चीज को तय करने के लिए या तो आपको रैंडम लोगों के पकड़ पकड़ कर टेस्ट करने पड़ेंगे ये जांचने के लिए कि कहीं इनमें कोरोना का लक्षण तो नहीं है, कहीं इनमें कोरोना का वायरस तो नहीं है, या फिर आपको हर आदमी का टेस्ट कराना पड़ेगा और हर आदमी को अपनी जेब में एक सर्टिफिकेट लेकर घूमना पड़ेगा कि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। ये असिम्प्टोमैटिक कोरोना का मरीज कोविड-19 के मरीज के मुकाबले ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि कोविड-19 के मरीजों में कम से कम लक्षण तो नजर आते थे, इन्हीं लक्षणों को पहचान कर उन्हें क्वारंटीन किया जाता था, फिर उनका टेस्ट किया जाता था और उन्हें बाकी लोगों से अलग कर लिया जाता था ताकि उनकी वजह से दूसरों को कम कोरोना ना हो। इन्हीं लक्षणों को पहचान कर इटली, स्पेन, यहां तक कि चीन भी अब तक कोरोना से लड़ रहे थे। अमेरिका में भी कोरोना से जंग इन्हीं लक्षणों को पहचान कर चल रही है और भारत में भी कोरोना से जंग इन्हीं लक्षणों को पहचान कर हो रही है। लेकिन आप सोचिए, भारत जैसे देश में अगर असिम्प्टोमैटिक कोरोना के मरीज आ जाएं तो हालत क्या होगी, जहां आबादी इतनी सघन है और जहां मेडिकल सुविधाओं का अभाव सबके सामने है। उस परिस्थिति में अगर असिम्प्टोमैटिक कोरोना जैसी बीमारी इस देश में आ जाए तो क्या स्थिति होगी। असिम्प्टोमैटिक कोरोना के कुछ ही मरीज अभी चीन में सामने आए हैं और लगातार ये कोशिश चल रही है कि इसको जल्द से जल्द पकड़कर समूल नष्ट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। लेकिन जब तक चीन या दुनिया का कोई और देश कोरोना से ही लड़ने की वैक्सीन नहीं बना लेता तो असिम्प्टोमैटिक कोरोना से जीत जाएंगे, ये काफी चिंताजनक सवाल है। और इस परिस्थिति में बचाव केवल एक ही है, कम से कम जब तक कोविड-19 से दुनिया लड़ रही है हमें आपको सबको अपना ख्याल खुद रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोना और भीड़भाड़ वाली जगहों पर ना जाना, लॉकडाउन का पालन करना, घर में रहना और बाहर से अगर आप मजबूरी में आते भी हैं कहीं जाने के बाद तो घर में आते ही पहले हाथ धोना, अपने आप को सैनिटाइज करना, उसके बाद लोगों से मिलना जुलना, इन चीजों का ख्याल रखकर कम से कम आप बीमारी को कुछ हद